नमस्कार सत श्री अकाल, मैं गुरप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं क्योंकि लास्ट अपडेट जो हमने दिया था एनओसीस को लेकर, और उसमें हमने बताया था कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू की आपस में मीटिंग होने वाली थी शनिवार को, जो हो चुकी है। उसमें बहुत कम ऑफिसर जो थे वो इन्वॉल्व थे, बैठे थे। उसके बाद संडे को छुट्टी थी और आज अभी हम जीरकपुर की जो तहसील प्लस म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस है वहाँ खड़े हुए हैं। तो यहाँ मोस्ट ऑफ द ऑफिसर जो हैं आज छुट्टी पे चल रहे हैं, और हमने बहुत से ऑफिसर से मिलकर जानने की कोशिश करी कि क्या अपडेट है। तो अनफॉर्चुनेटली ये बदकिस्मती है कि किसी के पास कोई अपडेट नहीं है। और अब ये अपडेट मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप बार बार फ़ोन करके परेशान ना हो, क्योंकि कल की फिर छुट्टी है, आज सोमवार है, मंगलवार की फिर सरकारी छुट्टी है। तो बुधवार तक इसका अपडेट फ्रेश आपको मिलेगा कि ये जो एनओसी का प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या चेंजेस करने के लिए माने हैं आपस में दोनों डिपार्टमेंट। क्योंकि जो एनओसी है वो इशू करता है लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट, जिसको म्यूनसिपल काउंसिल्स कहते हैं या नोएडा या कोटा के, और जो रजिस्ट्री होती है जहाँ पे ये यूज़ की जाती है, जहाँ इसको देख कर रजिस्ट्री की जाती है, वो करते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यानी कि तहसीलदार वाला जो डिपार्टमेंट होता है उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहते हैं। तो लोकल बॉडीज एनओसी इशू करता है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है उसको एक्सेप्ट करके उसके बेस पे रजिस्ट्री करता है। तो नॉर्मल जो एक प्लस पॉइंट आया था कि जिनके पास नक्शे हैं, ये जो चेंजेस आई थी वो बता देता हूँ दोबारा से फिर, कि जिनके पास ऑलरेडी नक्शा पास है उसको अपने रजिस्ट्री की कॉपी और जो उसका बैलेंस है उसने पे किया है उसकी कॉपी, रसीड की कॉपी साथ में देगा और एक स्वैग घोषणा पत्र देगा, तो उसको इमीडिएट एनओसी मिल जाएगी। अगर आपका नक्शा पास है ऑलरेडी, तो आपका अगर कोई प्रॉपर्टी टैक्स बकाया नहीं है कमेटी की तरफ, और अगर आप सबमिट करोगे तो सेम डे आपको एनओसी मिल जाएगी। बहुत सिंप्लीफाई किया गया है उसको, सुबह आप अप्लाई करोगे तो दोपहर तक आपको मिल जाएगी। ये फ्रेश गाइडलाइन दी गई हैं जो डीसी हैं डिस्ट्रिक्स के, उनकी तरफ से जो म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं उनको ये आदेश दे चुके हैं, ये जा चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हो गया अगर आपका नक्शा पास है तो। अब अगर आपका नक्शा पास नहीं है और आपका जो प्लॉट है किसी ऐसी कॉलोनी में है जो ना तो इलीगल है और ना वो लीगल की कैटेगरी में आते हैं, ये बीच में आता है, तो आपको उससे 9 पॉइंट हैं वो पूरे करने पड़ेंगे। वो 9 पॉइंट जो हैं वो तकरीबन हर जो तहसील या जहाँ पे आप एनओसी अप्लाई करते हैं म्यूनसिपल काउंसिल, वहाँ पे वो प्रिंट करके बाहर चिपकाए हुए हैं, वो आप पढ़ लें। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं टेक्निकल, वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी आज। लेकिन अगर कोई परसों यानी कि बुधवार को कोई अपडेट आ जाता है कि मीटिंग्स में क्या सहमति बनी दोनों डिपार्टमेंट की आपस में, कि कितने कागज़ हम मिनिमाइज़ करें, इसमें कुछ ऐसे कागज़ भी हैं जैसे कब्जा रिपोर्ट है। कब्जा रिपोर्ट वो तहसील में आप अप्लाई करोगे, फिर पटवारी साहब जाएंगे, वो सब कुछ करेंगे, तो उसमें बहुत सारा पैसा भी लगता है और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उसको मिनिमाइज करने की भी बात चल रही थी, देखते हैं कि क्या आउटकम आया है। इसके लिए आपको बुधवार तक वेट करनी पड़ेगी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काम की होगी, और आप जो परेशान हो रहे हैं उसके लिए हमें दुखी हम पर कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये काम सरकार का है और डिपार्टमेंट्स का है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।